मध्य प्रदेश के देवास में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। देवास पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के दो आरोपियों को पकड़ा है। इनके के पास से बड़ी संख्या में नकली नोट बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस बड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया। रात को नकली नोट खपाने के लिए उज्जैन रोड विजयगंज मंडी ब्रिज के पास आए आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया और तलाशी लेने पर इनके पास से नकली नोट मिले हैं। साथ ही नकली नोट, प्रिंटर, फोटोकॉपी स्कैनर मशीन और पेपर जब्त किए गए हैं। दो आरोपियों के गिरोह को पकड़ा है जिन्होंने 2,30,000 की नकली नोट उनके से बरामद हुए हैं। ये लोगों का ये स्वीकार करना है कि ये अपने ही घर पर प्रिंटर से इनको छापते थे। अब हम इस चीज की पड़ताल कर रहे हैं कि कहां से ये लोग प्रिंटर लेके आए, किस तरह से, किस मैकेनिज्म से ये लोग बनाते थे और कहां पे नोटों को खपाते। कितने समय से लगभग 6 माह से इन्होंने ये वारदात को करना स्वीकार किया। कितने रुपए जब्त किए? 2,37,000। सर, ये जो जो बनाने का कहां तक इन्होंने अपने बच्चों हाँ इस चीज की, चूँकि इनको दो लोगों के गिरोह घर से अभी गिरफ्तार किया है, इस चीज की पड़ताल की जा रही है कि क्या इनके संपर्क में कौन कौन लोग थे और ये लोग कहाँ एक्चुअली इनको खपाते। सर, कोई मॉनिटरिंग हो सकती है इनके साथ भी, मतलब जिन सीखा है इन्होंने या जिनके साथ भी काम कर रहे थे? हम इस चीज की पड़ताल कर रहे फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पूछताछ जारी है। देवास से न्यूज़ के लिए कल्किराज डबी की रिपोर्ट।